हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हाइड्रोजेल कैप्सूल्स के बारे में। हाइड्रोजेल कैप्सूल्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ करते हैं, कितने यूज होता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर क्या कंडीशन लगी और किस प्रकार काम करता है और इसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए, तो हाइड्रोजेल कैप्सूल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट की, यहाँ पर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं हाइड्रोजेल कैप्सूल, जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है। हाइड्रोजेल कैप्सूल के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें तो इसके अंदर इंग्रीडियंट्स है कार्बोनिल आयरन्स, फॉलिक एसिड्स, विटामिन सी, विटामिन बी12 एंड जिंक सल्फेट्स, मोनोहाइड्रेट कैप्सूल इसके अंदर डाले गए। हाइड्रोजेल कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल यह ट्रीट करता है, प्रिवेंट करता है एनीमिया में, और ये इसका इस्तेमाल आयरन और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजेल कैप्सूल का इस्तेमाल आयरन की कमी वाले एनीमिया के उपचार में मदद करता है, पोषण संबंधित एनीमिया के उपचार में सहायता करता है, जो विशेष रूप से गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान सह अस्तित्व जस्ता की कमी के साथ होता है। लंबे समय तक खून की कमी या आयरन के कम सेवन के कारण आयरन की कमी के इलाज करने में मदद करता है। इसमें जो जिंक होता है, जो कि वृद्धि और विकास विशेष रूप से हड्डियों और ऊतकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन का समर्थन करता है और बॉडी को ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित कार्य में सहायता करता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। हाइड्रोजेल कैप्सूल का इस्तेमाल आयरन और फॉलिक एसिड की कमी के कारण होने वाली एनीमिया के इलाज और रोकथाम के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये कैप्सूल RBC के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो रक्त आपूर्ति में सुधार करने के लिए जाना जाता है। ये बॉडी में आयरन और फॉलिक एसिड के भंडार को पूरा करने में मदद करता है, जिससे उनकी कमी के कारण होने वाले लक्षणों में सुधार होता है। साथ ही ये बॉडी में ऑक्सीजन की उचित आपूर्ति बनाए रखने में मदद करता है। हाइड्रोजेल कैप्सूल का इस्तेमाल बॉडी में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन बी12, जिंक की कमी को दूर करने के लिए ये कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजेल कैप्सूल्स ओवरऑल आपकी हेल्थ को हेल्थी करके रखता है। हाइड्रोजेल कैप्सूल का डोज और डोसेंस की बात करें, इसका डोज और डोसेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए। उसका डोज और डोसेंस अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। हाइड्रोजेल कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपने मन से हाइड्रोजेल कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो हाइड्रोजेल कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन बताइए, हैदराबाद डिस्कशन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताइए। हाइड्रोजेल कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।